So hello everyone, this is Sagar and welcome to again my channel. So guys, I am here again to another review. या कहें तो कोई के ड्रामा रिव्यू। तो गाइज आज मैं जिस के ड्रामा का रिव्यू करने आ रहा हूँ उस के ड्रामे का नाम की तरह उसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी यूनिक है, फॉरकास्टिंग लव एंड वेदर। अब इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं इस के ड्रामे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इसके लिए, और 22 और 23 के लिए जो कोरियन ड्रामा, इन दोनों कोरियन ड्रामे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ड्यू टू इनकी स्टार कास्ट जो कि बहुत ज़्यादा कमाल है। मतलब एक तरफ हमें हु इज किमशी वाली जो हीरोइन है, फीमेल लीड है, वो देखने के लिए मिलती है, और एक तरफ देखने के लिए मिलता है स्वीट होम, नेवरथलेस, लव अलार्म और भी नया ना कितने बड़े बड़े हिट को देने वाले मेल एक्टर। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस कोरियन ड्रामा से। अब वो इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है या क्या किया है ये सारी वीडियो के बारे में तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो बात करते हैं अब इस कोरियन ड्रामा से। पहले गाइस कोरियन ड्रामा से पहले बता दूँ, मैंने सुना था कि कोरियन ड्रामास हर एक एक कैटेगरी के होते हैं, तो अब हमें ये भी देखने के लिए मिल गया। मतलब इससे पहले हमने प्रीवियस में एक कोरियन ड्रामा देखा था जो कि पिनोक्यू था, जिसमें हमें देखने के लिए मिलती है जो लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं और मतलब रिपोर्टर बनते हैं वो लोग किस तरीके से वहाँ पे रहते हैं और क्या उनके बीच में खबर बनती है और बनाई जाती है। जी हाँ गाइस, खबर बनाई भी जाती है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस बार हमें देखने के लिए मिलेगा वेदर फोरकास्ट के रिगार्डिंग। इस पूरे कोरियन ड्रामा का सेंटर पॉइंट है वेदर फोरकास्ट, जिसको अतरंगी ढंग में हमारे को प्रेजेंट किया गया हमारे मेल और फीमेल लीड ने। फीमेल लीड के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन मेल लीड का अभी रिसेंट में एक गर्मा गर्म ब्रेकअप हुआ है। तो क्या होगा जब हमारा मेन और फीमेल लीड मिलते हैं, दो ड्यूअल पर्सनैलिटी जब साथ में मिलते हैं तो क्या होगा कि मेन और फीमेल लीड साथ में किसी तरीके से काम करने लग जाते हैं। अब वो काम करते करते उनके एक दूसरे के लिए क्या क्या फीलिंग्स आती है, बीच में बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स भी हैं, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। अब बता देता हूँ क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव है। तो बस पॉजिटिव पॉइंट की बात बता दूँ तो जिस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से कैमरा VFX का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से मतलब शॉट्स लिए गए, सिनेमेटोग्राफी कह सकते हैं आप इसे, शॉट्स लिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो आपको एंटरटेन करेंगे। लेकिन थोड़ी पेसिंग मुझे, मैं कहूँगा कि ऊपर नीचे लगी थी, एंड जिस तरीके से रिपोर्टिंग का जो भी उन्होंने बनाया हुआ है थीम, उस तरीके से मतलब मैंने तो इससे पहले किसी भी तरीके के इस तरीके का तो कुछ देखा ही नहीं था कि मतलब रिपोर्टिंग करते समय भी लोगों को मतलब इतना एक्सप्लोर करते हुए दिखाया गया है। अच्छा है, बाकी अभी तो कुछ लिमिटेड ही एपिसोड्स आए हुए हैं तो मैं उन्हीं एपिसोड्स के बेसिस पे इसको जज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय ये कोरियन ड्रामा का बहुत नाम होने वाला है, क्योंकि ये कोरियन ड्रामे ने मेरे को अपने फर्स्ट और सेकंड और जितने भी मैंने एपिसोड देखे हैं इसने मुझे पूरा एंटरटेन किया है। अब वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज इसकी बेसिक मैंने कहा कि इसकी पेसिंग स्लो है, लेकिन ये जिस तरीके से बीच में क्यूट मूवमेंट्स को देता है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे क्यूट मूवमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन जो कोरियन ड्रामास देखते हैं उनको पता है कि हम जैसे कोरियन ड्रामा फैंस को कॉमेडी ना हो चलेगी, कुछ भी ना हो चलेगा, लेकिन क्यूट मूवमेंट्स एंड क्यूट रोमांस तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमें ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइज वो इसमें भर भर के आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड नेगेटिव्स की बात करूँ तो गाइज मैं बता दूँ, मैंने पेसिंग को तो बोल ही दिया, मैं बताऊँगा इसका कॉन्सेप्ट। मतलब जिस तरीके से लड़का लड़की मिलते हैं, डुअल पर्सनैलिटी मिलते हैं, तो वो हमें अलग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वही पुराना फील दिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं कि आपको इसे ट्राई भी नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो कहीं बोरियत फील नहीं हुई, तो मैं उस चीज़ को बोलूंगा। हिंदी डबिंग भी इसकी जल्दी देखने के लिए मिल सकती है हमें, क्योंकि ड्यू टू इसकी स्टार कास्ट, जैसा कि मैंने स्नो ड्रॉप के समय में कहा था कि वो कोरियन ड्रामा की स्टार कास्ट बहुत खतरनाक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हमें वो हिंदी में डब देखने के लिए मिलेगा। तो अब वैसे ही मैं इसके लिए भी कहता हूँ ये और 23 और 25 जो है वो कोरियन ड्रामा में जल्दी हिंदी डब में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। बाकी अगर आपको सारे ही कोरियन ड्रामास एक साथ देखने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो मेन लीड है इसके पुराने सारे ड्रामास देख सकते हो, जब तक ये भी एयर होना शुरू हो जाएगा, ये वीकली बेसिस पे एपिसोड्स उसके रिवील हो रहे हैं। बाकी आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता ही सकते हैं, और देखते हैं नेटफ्लिक्स इसे कब तक हिंदी में डब करके देता है। बाकी सारी अपडेट्स आपको मेरी ही इस चैनल पर मिलेगी। टोटल रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 5/4 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे कोरियन ड्रामा अच्छा लगा और कहाँ कहाँ मिस्टेक्स थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आपकी क्या विचार है इस कोरियन ड्रामा को लेकर के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और ना इंटरेस्टिंग टॉपिक पर।